शुक्रवार को एक निजी होटल में बने मीडिया सेंटर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। इन 4 चरणों में जिस तरह से भाजपा के पक्ष में प्रचंड मतदान हुआ है और विपक्षियों के तेवर जिस तरह से ठंडे दिखाई दे रहे हैं, उससे प्रदेश की जनता ने 10 मार्च को आने वाले परिणाम का संकेत स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर 300 सीटों के पार जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त करेगी। योगी आदित्यनाथ ने लगातार 5 वर्षों में जो काम किया है, उन 5 वर्षों के काम के हिसाब के बूते योगी आदित्यनाथ की सरकार 300 से अधिक विधानसभा की सीटें जीतकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है तथा 11 मार्च के बाद जो भी फर्जीवाड़ा करने वाले हिजाबवादी, जिहादवादी, संप्रदायवादी, जातिवादी, वंशवादी लोग हैं, उन सभी का यूपी से पलायन होना सुनिश्चित है। उन्होंने शायर के माध्यम से कहा कि चलता रहेगा बुलडोजर, गुंडे जेल में जाएंगे, अखिलेश बाबू ध्यान से सुन लो, फिर से योगी आएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, मित्रों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के 4 चरणों के चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है और इन 4 चरणों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड मतदान हुआ है और विपक्षियों के टेबल जिस तरह से खाली रहे हैं, उससे प्रदेश की जनता ने 10 मार्च 2022 को आने वाले परिणामों का संकेत स्पष्ट रूप से दे दिया है। अब 5वें और 6ठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अर्श पर है। हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 300 सीटों के पार का जनादेश हासिल करने में सफलता प्राप्त करेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ और विशेष करके अब चूंकि पूर्वांचल के चुनावों का दौर चल रहा है और पूर्वांचल एक समय आपको ज्ञात ही है कि किस तरह से माफिया के चंगुल में था, किस तरह से वंशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, जिहादवाद और लौ जिहादवाद के चंगुल में पूर्वांचल की जनता पिस रही थी और पूर्वांचल को भारत का शिकागो कहा जाने लगा था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से माफिया तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके कारण आज पूर्वांचल की जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। आप सबको ध्यान ही होगा कि किस तरह से मुख्तार अंसारी का काफिला एक जमाने में चलता था, बंदूकें लहराते हुए उसके गुंडे मुख्तार अंसारी के आसपास घेरा बनाकर चलते थे और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों के कारण स्थिति ये थी कि माफिया शक्तियां पुलिस बल को जूते की नोक पर रखते थे, कोतवाली बंद हो जाया करती थी। 2005 की मऊ की हिंसा तो किसी को भूली नहीं होगी कि किस तरह से एक माफिया को बचाने के लिए मऊ महीनों जलता रहा, दर्जनों निर्दोषों की जान गई, सैकड़ों निर्दोष घायल हुए और उस सांप्रदायिक हिंसा की आग लगाने वाले जिहादी शक्तियों को
तत्कालीन सरकार के मुखिया अखिलेश सिंह यादव के अब्बू श्रीमान मुलायम सिंह यादव किस तरह से संरक्षण दिया करते थे, आज वही मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के जेल में भी आने से डरता है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से पुलिस बल समर्थ और सक्षम हुआ है उसके कारण उसे पंजाब भागना पड़ा और पंजाब से वापस ना आने पाए। इसके लिए कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने श्रीमती प्रियंका वाड्रा के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट तक उसकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उस माफिया को घसीटकर जो व्हील चेयर पर पंजाब में चल रहा था वो जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में आया उसकी उसके पैरों के का दर्द अपने आप मिट गया और वो चलने लगा। चुनाव लड़ने से भी ऐसे लोग कैसे भयभीत हुए यह भी प्रदेश की जनता ने भली भांति देखा है। पहले पूर्वांचल के हर जिले में हर जिले को किसी न किसी गुंडे के नाम से जाना जाता था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसके नाते हर जिला अब अपने उत्पादों के नाम से जाना जाता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ उसके कारण एम्स जैसा संस्थान आज गोरखपुर में साकार हुआ है। मस्तिष्क बुखार जापानी बुखार से हर वर्ष मौसम विशेष में हजारों हजार मासूमों की जान चली जाती थी। सांसद के रूप में भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने हर संभव प्रयास किया कि यहाँ के बालकों को मृत्यु के मुंह में जाने से बचाया जा सके, लेकिन जैसे ही वह मुख्यमंत्री बने उनके सदप्रयास का परिणाम आज यह है कि उत्तर प्रदेश और विशेष करके गोरखपुर क्षेत्र से जापानी बुखार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। 95% गिरावट मस्तिष्क ज्वर में आई है। यह निश्चित तौर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, जिस तरह से एयर कनेक्टिविटी हुई है, जिस तरह से सुशासन हुआ है, जिस तरह से अंत्योदय हुआ है, उसी का परिणाम है कि विरोधी हर संभव प्रयास के बाद, हर तरह के दुष्प्रचार के बाद भी जनता उनकी बातों में आने के लिए तैयार नहीं है और चारों चरणों के मतदान में जनता ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया हुआ है। जिस तरह से फर्टिलाइजर फैक्ट्री 5-5 प्रधानमंत्रियों ने वादा किया था कि हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री शुरू करेंगे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की डबल इंजन ने 30 वर्ष से बंद फर्टिलाइजर फैक्ट्री को फिर से गोरखपुर में प्रारंभ करने में सफलता पाई और विगत 7 जनवरी को बड़े पैमाने पर उद्घाटन हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण करके फर्टिलाइजर फैक्ट्री गोरखपुर की जनता को दी। आपको ध्यान होगा कि किस तरह से जेल में बैठकर भी माफिया वसूली किया करता था, आज व्यापारी मुक्त हैं, महिलाओं को शाम के बाद भी घर से बाहर निकलने में किसी प्रकार का भय नहीं होता है, वो भयमुक्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक से ही भय, भूख और भ्रष्टाचार इनके विरुद्ध
संघर्ष के लिए संकल्पित थी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडों और माफिया का भय समाप्त किया, भूख कोरोना काल में विश्व के 80% देशों में खाद्यान्न वितरण लड़खड़ा गया और बड़े पैमाने पर विश्व के विकसित देशों में भी भूखमरी की समस्या खड़ी हुई। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल के कारण 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिला, जिसमें 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं, जिनको डबल इंजन में आदरणीय मोदी जी का राशन भी हर गरीब को मिला, आदरणीय योगी जी का भी राशन हर गरीब के घर पहुंचा। तो भूख के कारण किसी की भी कोई भी भूखा रहकर रात में सोने के लिए मजबूर नहीं हुआ, हर परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम हुआ है। और भ्रष्टाचार जिस जो संस्थागत स्वरूप में हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, पंचम तल से लेके पंचायत तक भ्रष्टाचार के में आकंठ डूबे हुए थे, चाहे वह सुश्री मायावती का कार्यकाल रहा हो, तब भ्रष्टाचार के तमाम मामले उछले और उनकी जांच हुई, चाहे श्रीमान मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल रहा हो जिसमें बेहिसाबी संपत्तियों की उनके जांच हुई, खाद्यान्न घोटाला हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बताया, उसके निर्णय में आया कि जितना अनाज विविध जिलों में पैदा नहीं होता था उससे अधिक अनाज वहां की मंडियों में कालाबाजारी बेचते थे, और उत्तर प्रदेश के गरीबों के हक का अनाज बांग्लादेश और नेपाल तक तस्करी के माध्यम से जा रहा था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में गरीब जनता का राशन उसके घर तक पहुंचा है, मुफ्त का राशन पहुंचा है। तो हमने भय, भूख और भ्रष्टाचार से उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्त कराने में सफलता हासिल की है। इसी का परिणाम है कि आज बड़े पैमाने पर लोग उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए तत्पर है। आपको ध्यान होगा कि लौ जिहाद के मामले किस तरह चला करते थे, इसी गोरखपुर में लौ जिहाद के मामले में लौ जिहादियों ने ना केवल एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फांसा, बल्कि संपत्ति के लोभ में उसके परिजनों की हत्या तक कर दी। घटना 2013 की है। अब किसी की हिम्मत लौ जिहाद करने की नहीं होती, और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें यह संकल्प लिया गया है कि आने वाले दिनों में लौ जिहाद में संलिप्त अपराधियों को ना केवल 10 वर्ष की सजा दी जाएगी, बल्कि उनको जो है आर्थिक दंड भी उन पर लगाया जाएगा। जिहाद की घटनाएं आपको याद होगा, कभी संकट मोचन खतरे में होता था, कभी रामलला पर बम फटते थे, कभी गोरखपुर में गोल मार्केट में बम फटता था, कभी लखनऊ हाईकोर्ट को निशाना बनाया जाता था, कभी श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फटता था। और जो लोग जिहाद में शामिल होते थे, ऐसे जिहादियों पर से मुकदमे वापस लेकर ऐसे जिहादी शक्तियों को सरकार स्वयं बल देने का काम करती थी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में किसी जिहादी की, जिहादियों ने योजनाएं बनाई, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण जिहादियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयां हुई और एक भी निर्दोष नागरिक आतंकी घटना में मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ, उसकी हत्या नहीं की जा सकी। बल्कि जो लोग जिहाद के नाम पर जिहादी शक्तियों को जो बढ़ाते थे, ऐसे जिहादी शक्तियों को बढ़ाने वाले लोग आज जो हैं पलायन करने के लिए मजबूर हैं, उन जिहादियों के लिए उत्तर प्रदेश
अब उनका गंतव्य शेष नहीं बचा है। ऐसे में हम सबकी पूर्वांचल की जनता से अपील है कि प्रचंड मतदान करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को और मजबूत बनाया जा सके, ताकि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश, जिसका जीडीपी पिछले 5 वर्षों में दोगुना किया गया, जिसमें पर कैपिटा इनकम 5 वर्षों में दोगुनी हुई, उत्तर प्रदेश को जो अर्थव्यवस्था में किसी जमाने में 7वें क्रमांक पर था वो 2रे क्रमांक पर आई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पे था, 2रे स्थान पर आया, उत्तर प्रदेश को और विकास के पैमाने पर सशक्त 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आप सबसे अपील है कि पत्रकार इस बात को जनता तक पहुंचाएं, ताकि उत्तर प्रदेश जो है वो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके। हमारा साफ संदेश है कि चलता रहेगा बुलडोजर और गुंडे जेल में जाएंगे, चलता रहेगा बुलडोजर और गुंडे जेल में जाएंगे, अखिलेश बाबू ध्यान से सुन लो, फिर से योगी आएंगे। कोई भी संदेह उत्तर प्रदेश की जनता के मन में नहीं है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और लगातार 5 वर्षों में जो काम किया है, उन 5 वर्षों के काम के हिसाब के बूते आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 300 से अधिक विधानसभा की सीटें जीतकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है, और 11 मार्च के बाद ये जो भी फर्जीवाड़ा करने वाले हिजाबवादी, जिहादवादी, संप्रदायवादी, जातिवादी, वंशवादी, इन सबका उत्तर प्रदेश से पलायन होना सुनिश्चित है। वह सनातन परंपरा के पूज्य संतों का अपमान करने के लिए कुख्यात हैं। एक जमाना ऐसा भी था 1990 में, जब रामदाना को मुलायम दाना कहने की मजबूरी इस प्रदेश की जनता को आई थी। आज भव्य दिव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है, और बाबरवादियों की छाती उसको देखकर रोज फटी जाती है। काशी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और मथुरा वृंदावन सज रही है, इसके कारण अखिलेश सिंह यादव की आंखों में द्वेष का धुआं घुस रहा होगा।